आईटीवी फाउंडेशन और इंडिया न्यूज का अभियान जरूरी है, हर एक जान, जी हाँ, देश के हर नागरिक की जान जरूरी है और हम एक जिम्मेदार नागरिक और संस्थान होने के नाते अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं। इसीलिए हम कोरोना संकट की इस घड़ी में देश भर में लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं, लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि हम और पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आईटीवी फाउंडेशन और इंडिया न्यूज देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहा है और जो भूखे हैं उनको खाना खिला रहा है। कोरोना से जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षा किट भी मुहैया कराई जा रही है। इसके साथ ही आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं आपको छह तस्वीरें जो आईटीवी फाउंडेशन और इंडिया न्यूज की इस आपातकाल में एक पहल है, एक अभियान है, एक जिम्मेदारी है जो हम देश के अलग अलग हिस्सों में निभा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर उनमें से महज कुछ तस्वीरें हैं क्योंकि टीवी में सारी तस्वीरों को एक साथ दिखाना मुमकिन नहीं है। ये छह तस्वीरें आप देखिए, लेकिन इसके साथ ही यकीन मानिए देश के अलग अलग इलाकों में इसी तरह की मुहिम आईटीवी फाउंडेशन इंडिया न्यूज लगातार चला रहा है ताकि उन जरूरतमंदों की मदद की जा सके जिनकी जिंदगी दूभर है लॉकडाउन की वजह से। और इसके साथ ही वो स्वास्थ्यकर्मी जो लगातार आपकी सेवा में हैं, लगातार कोरोना मरीजों के संपर्क में आकर उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, प्रोटेक्शन किट बांटी जा रही है लगातार हमारी तरफ से। और ये एक संदेश भी कि देश का हर नागरिक, हर संस्थान जो भी सक्षम है, जो भी आगे आकर मदद कर सकता है वो मदद करे। ये घड़ी इस तरह की है कि सेवा करना ही सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अहम है। तो कोरोना से जंग के लिए महाराजगंज के प्राइवेट डॉक्टर्स ने अब कमर कस ली है। महाराजगंज जनपद के वो मदद करे, ये घड़ी इस तरह की है कि सेवा करना ही सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अहम है। तो कोरोना से जंग के लिए महाराजगंज के प्राइवेट डॉक्टर्स ने अब कमर कस ली है। महाराजगंज जनपद के केएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एक ऐप के जरिए घरों में बैठे किसी भी तरह के मरीज को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के health.com के नाम से बने इस ऐप के जरिए कोई भी मरीज घर में बैठकर अपनी बात डॉक्टर से शेयर कर सकता है और कुछ ही देर बाद डॉक्टर उनके सवाल का ऑनलाइन जवाब देंगे। ये एक सिंपल सा पोर्टल है जिस पर आप परीक्षा शुरू करें, यानी स्टार्ट टेस्ट, कोई भी सिटीजन जाते वो अपना स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करते। देखो जी प्लीज चिंता नहीं कर सर, और इस वक्त हमारे साथ सोनीपत से सुरेंद्र सोलंकी जुड़ रहे हैं जहां आज प्रशासनिक अधिकारियों को आईटीवी फाउंडेशन की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को पीपीई किट बांटी जा रही है। हम ज्यादा जानकारी सुंदर से लेते हैं। सुंदर, अभी वहां पर क्या चल रहा है, कितनी बड़ी संख्या में ये किट बांटी गई है? शुभ्रा, जैसा आईटीवी फाउंडेशन का मानना है कि हर जान जरूरी है और यही अभियान हमारा है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो ज्यादातर सीधा एनकाउंटर हो रहा है पेशेंट से वो स्टाफ है हेल्थ से, मेडिकल से जुड़ा हुआ स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, इसके अलावा सफाई कर्मी है जो अस्पतालों में काम कर रहे हैं। इसीलिए आईटीवी फाउंडेशन और यूनिवर्ल्ड केयर हेल्थ ने ये अभियान लिया है कि इन लोगों के लिए जो हमें बचा रहे हैं उनके लिए क्या, उनको बचाना जरूरी है, सेव देम टू सेव अस, ये एक अभियान है हमारा। और इसके तहत हम पीपीई किट यहां इन स्टाफ को प्रोवाइड कराते हैं। हमने फरीदाबाद में, गुड़गांव में पीपीई किट बांटी, आज उसी कड़ी में हम सोनीपत के खानपुर मेडिकल कॉलेज में हैं जहां ये पीपीई किट अजीत इंडस्ट्री की तरफ से, हमारे सीएमडी है अजीत इंडस्ट्री के, एआईपीएल इंडस्ट्रीज के, जिनके सहयोग से ये हम किट है जो यहाँ पूरे स्टाफ को हैंड ओवर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये अजीत जी की तरफ से आपको बहुत सारी किटें, हम जितनी भी कोशिश होगी आपके स्टाफ को ताकि पूरी प्रोटेक्शन मिले, और ये किट आपको हम हैंड ओवर कर रहे हैं और अजीत जी की तरफ से। और जानना चाहेंगे कि आप कैसे देखते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण है ये किट? देखिए, ऐसे ये जो पीपीई जिसको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट,
ये बहुत ही कारगर साबित हो रही है। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो इस काम में जुटे हुए हैं, जी जान से अपने जुटे हुए हैं, हमारा फर्ज बनता है कि उनकी भी प्रोटेक्शन हो। तो उसमें डॉक्टर्स आ गए, स्टाफ नर्सेस आ गए, जो लैब में काम करते हैं, जो इस के टेस्ट करते हैं, जो सफाई कर्मचारी उन पेशेंट्स की जो वार्ड है उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको इन्फेक्शन ना हो जाए। जो कहीं ऐसा ना हो कि जो तीमारदारी कर रहे हैं वो खुद भी बीमार पड़ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ये बहुत ही कारगर साबित हो रही है और ये अजीत इंडस्ट्रीज का बहुत अच्छा जेस्चर है जो हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री केयर जो फाउंडेशन, जो प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया है, जिसमें पैसे तो लोग दे रहे हैं लेकिन उस पैसे से चीजें ऐसी खरीदी जाएंगी, और ये हमें वही चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी वो जो कवायद है मंगवाने की, सरकार पूरी कोशिश कर रही है इसको मंगवाने की, लेकिन ये हमें यहां पर हमारे हॉस्पिटल में आके ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इसमें हमारी बहुत ज्यादा मदद होगी। निश्चित रूप से शुभ्रा, वही बात हो रही है कि जो तीमारदार से सीधा डील कर रहे हैं वो बीमार ना हो जाएं और उसी से ये पीपीई किट हमें बचाएगी। अजीत जी हैं जो इस सहयोग कर रहे हैं आईटीवी फाउंडेशन और यूनिवर्ल्ड की मुहिम में। अजीत जी, लगातार वही बात डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, बेहद जरूरी चीज है और बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव। देखिए, मैंने भी टीवी पे सुना था कि प्रोटेक्शन किट की काफी कमी हो रही है, और वैसे तो हमारे देश के सभी लोग आगे आ रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस कोरोना से बचने के लिए किसकी क्या मदद करें। तो हमें आईटीवी फाउंडेशन ने जब इसके बारे में बताया कि पीपी किट की जो है बड़ी शॉर्टेज चल रही है, तो इसके लिए हमें जो है बड़ी हमें मौका मिला इसका, और हम इसके लिए पूरे तैयार हैं और अपनी तरफ से जितना भी हम जितने नंबर्स की जरूरत होगी, जितनी भी हम अपने बजट के हिसाब से काम कर पाएंगे, दे पाएंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। और हम चाहेंगे कि कोई भी सेव द सेवर या प्रोटेक्ट द प्रोटेक्टर, कोई भी जो आदमी हिम्मत करके या डॉक्टर्स नर्सेज जो हिम्मत करके आगे आते हैं लोगों की सेवा करने के लिए, वो लोग कोई बीमार ना पड़े और उनको बचाने के लिए हम जो है उनको इन चीजों की पीपीई की जो है वो कम से कम कमी ना पड़े, पीपीई की कमी ना पड़े। शुभ्रा, बड़ी बात ये है कि जहां मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बंद हैं और केवल अस्पताल खुले हुए हैं, और अस्पतालों में कोरोना वॉरियर्स तो असली कोरोना वॉरियर्स ये हैं जो सीधा लड़ रहे हैं इस बीमारी से। और हमारे साथ वर्धन जी हैं, जीएम हैं एआईपीएल के, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार, क्योंकि आपकी कंपनी ने जिस तरह से ये एक इनिशिएटिव लिया है, निश्चित रूप से इन कोरोना वॉरियर्स के लिए एक बड़ी मदद साबित होगा। देखिए, मैंने हर जगह देखा है कि लोग खाना दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं, लेकिन ये एक पहला जो हमारे रियल वॉरियर आज की डेट में है, उनको एक आईटीवी की तरफ से जो हमारे को मुहिम एक चला रहे हैं कि सच्चे वॉरियर आज की डेट में यही है, तो इनको अजीत इंडस्ट्रीज की तरफ से जो ये किट, जो प्रोटेक्शन किट दी जा रही है, ये इससे बेहतर कोई चीज मैं नहीं समझता कि हो सकती है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, प्रोटेक्शन बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन प्रोटेक्शन के साथ साथ आज देश के लिए हम थोड़ा सा कुछ अपनी प्रोटेक्शन लेके अगर हम कुछ कर सकते हैं डॉक्टर्स के लिए, गरीबों के लिए, तो वो जरूर करें। थैंक यू। और अफवाहों पे ना जाएं, एटलीस्ट प्लीज अफवाहों पे ना जाएं। यूनिवर्ल्ड केयर हमारे साथ आईटीवी फाउंडेशन के साथ लगातार जुड़ा हुआ है और शिव कुमार हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर शिव का। डॉक्टर, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इस किट में बेसिकली क्या क्या चीजें हैं जो हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए मददगार साबित होंगी। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये अपनी पर्सनल सुरक्षा देते हैं हमारे जो भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, डॉक्टर हैं, जो डायरेक्टली इससे एक्सपोज्ड होते हैं, इन्फेक्शन से, संक्रमण से एक्सपोज्ड होते हैं। और यहाँ पे ये कोशिश है कि जब ये संक्रमण से वो लड़ रहे हैं तो उनको किसी भी स्तर पे ये महसूस ना होना पड़े कि हम अनप्रोटेक्टेड हैं। ये एक कॉन्फिडेंस है भी है उनको इस संक्रमण से लड़ने के लिए। तो इसमें कोशिश की गई है कि ये जो किट है पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हम दो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, उनके बारे में बताना सुंदर बहुत जरूरी है, जिसमें से कोई भी फ्लूइड पास नहीं हो सकते, कोई भी वायरस। सुंदर, आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो, मैं फिर से एक बार आती हूँ आपके पास और समझने की कोशिश करेंगे कि ये किट कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बीच एक और तस्वीर है जिसके बारे में दर्शकों को बताना अहम है। जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी मदद करने के लिए आईटीवी फाउंडेशन इंडिया न्यूज तो आगे आया है, जिसके बारे में जानकारी हमने दी, लेकिन साथ ही वो लोग जिनके पास खाने पीने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है, बेरोजगारी का दंश वो झेल रहे हैं, उनके लिए भी हम आगे आए हैं और इस संस्थान की ओर से, आईटीवी फाउंडेशन की ओर से, उन्हें खाने पीने के सामान दिए जा रहे हैं।
उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश की जा रही है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये सिर्फ चंद तस्वीरें हैं। देश के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनके पास फिलहाल कमी है खाने पीने के सामान की, और उनकी हम मदद कर रहे हैं। फिर से एक बार हम सुंदर का रुख कर लेते हैं। सुंदर, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कई डॉक्टर्स डे के बाद एक चपेट में आते जा रहे हैं। अगर हम दूसरे मुल्कों की तरफ देखें तो वहां पर मौत भी हुई है स्वास्थ्य कर्मियों की। ऐसे में अगर इस किट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, प्रोटेक्शन नहीं बरती जाती है, तो कितना खतरा डॉक्टर्स के लिए हो सकता है? अगर इस लिहाज से देखा जाए तो कितनी महत्वपूर्ण है ये किट, जरा समझने की कोशिश करें। जी शुभ्रा, बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है कि आखिर ये किट, क्योंकि डायरेक्ट जिस तरह की खबरें आ रही है, हमारा जो मेडिकल स्टाफ है उनसे डील कर रहा है और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि वो उनका शिकार भी हो रहे हैं। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट है सुधीर कुमार जी, उनसे जानना चाहेंगे, सर ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये जब आप लोग डील करते हैं तो इस महामारी से आप को भी खतरा रहता है, मैक्सिमम चांस होते हैं? बिल्कुल खतरा रहता है। प्रोटेक्शन किट जो है वो हमको सेव करती है, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर शिव कुमार ने बताया कि इससे जो उसके बॉडी फ्लूइड्स हैं वो डॉक्टर या कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ है उसके ऊपर नहीं आएंगे, ये प्रोटेक्ट करेगी उनसे बचने के लिए। और अब जैसे कोई खांसता है कोरोना वायरस वाला पेशेंट, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो प्रोटेक्शन किट के अंदर नहीं जाएंगे, वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे उससे। जी, इसके अलावा हमारे साथ राजीव महेंद्रू जी हैं, जो मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट है खानपुर के। आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि आपका जो स्टाफ है जो इस तरह के सस्पेक्टेड केसेस को डील करता है, उन्हें लेने जाता है, उस ऐसी स्थिति में ये पीपीई किट किस तरह से महत्वपूर्ण साबित होगी उनके लिए? ये देखिए, पेशेंट के जो सांस के साथ उसका कॉन्टैक्ट नहीं हो पाए, ये उसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि पेशेंट को डील करना है, हमें पेशेंट को टच भी करना है, सारा कुछ करना है, तो इसके लिए हमें वो सारा इलाज तो उसका करना पड़ेगा, लेकिन ये उसको जो बीमार की इलाज में लगेंगे उससे प्रोटेक्ट करेंगे। ये इससे हमारा स्टाफ जो है वो इस चीज पे तो कर रहा है कि कोरोना से डरो ना, पर एहतियात बरतो ना। एहतियात बरतने में वो बहुत जरूरी है, ताकि वो एक नहीं आगे और मरीजों का भी ध्यान रख सके, और मरीजों का ध्यान रखने के लिए उनका खुद की अपनी सेहत का भी उनके लिए बहुत जरूरी है, और ये पीपीई किट उनकी अपनी सेहत में उनको सेहतमंद रखने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। हाँ, ये जो मेडिकल स्टाफ के लिए एहतियात बरतने के लिए शुभ्रा, ये बहुत जरूरी चीज है। ये इसको ये कह सकते हैं कि एक एहतियात है उन कोरोना वॉरियर्स के लिए, या एक कवच है उन कोरोना वॉरियर्स के लिए जो सीधे इस बीमारी के टच में आ रहे हैं। अजीत इंडस्ट्री के सीएमडी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके सपोर्ट से हम ये किट दे रहे हैं यहाँ। अजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब बता रहे हैं बेहद जरूरी है, और जिस तरह के हालात हैं उनमें बहुत जरूरी चीज है ये, क्या मैसेज देंगे पूरे समाज को और खासकर इस संकट में? इस मैसेज में एक शेर के द्वारा देना चाहूंगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा है भारतवासियों, जब और कोई बीमारी ना ठहरी तो कोरोना की क्या औकात है। बहुत तो हिम्मत रखिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा, और हौसला रखिए, हम सब इस सबसे पार पा लेंगे। हमारे यहाँ जिस तरीके के मेडिकल स्टाफ मैंने देखे हैं यहाँ पर आकर, मेरी हिम्मत और बढ़ गई है इनको देख के, इनका जज्बा देख के, तो कोरोना की क्या ताकत है जो हमारे देश में आएगा, आएगा टिकेगा नहीं, जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात है, हिम्मत रखनी चाहिए, दूसरा अफवाहों से दूर रहना चाहिए। शुभ्रा लगातार यही संदेश दे रहे हैं कि जब भी संकट की घड़ी होती है उसमें हमारी हिम्मत, हमारी मजबूती, इनका इम्तिहान होता है, और उस इम्तिहान में लगातार ये कोशिश जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको ये पीपीई किट देना महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि डॉक्टर साहब लगातार वह भी बात होती है कि अफवाहों की भी बात हो रही है, खासकर आपके जो स्टाफ हैं उनको किस तरह से एजुकेट किया जा रहा है कि ये जो चीजें हैं ज्यादातर लोगों को हैंडल करते वक्त, इस तरह के सस्पेक्टेड केसेस को हैंडल करते वक्त, या दूसरे लोगों को परेशानी ना हो कम से कम कोरोना के खौफ से, क्योंकि ऐसी कई सारी खबरें आ रही हैं कि लोग जो जनरल पेशेंट हैं उसको भी डील नहीं कर रहे हैं, इस तरह की स्थिति आ रही है, तो कम से कम आपके स्टाफ को किस तरह से समझाया जा रहा है कि वो अफवाहों से दूर है? देखिए, ऐसे उनकी काउंसलिंग पूरी तरह से की गई है, क्योंकि उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई है। हमारे डायरेक्टर मैडम जो इस समय नहीं है, वो कहीं बिजी हैं, उन्होंने सब स्टाफ को अपने को सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी है कि आपकी प्रोटेक्शन भी हमारे लिए सर्वप्रिय है। मरीजों का इलाज हम कर रहे हैं, लेकिन
हम जब तक खुद सुरक्षित नहीं या हमारा स्टाफ सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम इलाज कैसे कर पाएंगे। ये पहली बात है जो उनमें इंस्टील की गई है और उनको भी ये बताया गया कि किसी अपनी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसका बिल्कुल पूरे इस्तेमाल कीजिए। हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई है, सेंट्रल स्टोर इंचार्ज है हमारे डॉक्टर सुधीर हैं साथ में, ये हर स्टाफ को उस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी जो जिम्मेदारी है उस तरीके से उसको पूरा जो उसकी सुरक्षा के लिए है वो पूरा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो शुभ्रा ये कोशिश है, इसीलिए ये जो कोरोना वॉरियर्स है लगातार टिके हुए हैं और कोरोना से लड़ने के लिए उसको हराने के लिए पूरे मजबूत दिख रहे हैं। और उसमें जो बात कही है सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देता है, ये जो ये पीपीई किट है सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, एक ऐसी परत एक ऐसी लेयर देता है जो कोरोना से लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है, एक ऐसा कवच है। और दूसरी बड़ी बात ये कि जो स्थिति आईटीवी फाउंडेशन की तरफ से जिस तरह से इस चीज को इस विचार को लाया गया है यूनिवर्ल्ड केयर के थ्रू, उनका कहना यही है कि दरअसल खाने पीने और इन चीजों के अलावा उनकी जरूरत है, सेव देम, जो हमें बचा रहे हैं उनको बचाना है। और इसका यही मकसद है कि ये उनको सुरक्षित रखने का बीड़ा आईटीवी फाउंडेशन ने उठाया है और उसी के तहत आज खानपुर में अजीत इंडस्ट्रीज की तरफ से बहुत सारी किट यहाँ के स्टाफ को दी जा रही हैं। शुभ्रा जी सुंदर, मैं चाहती हूँ कि आपके साथ तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिनको मालूम है कि देश में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से है और अभी उस पर कितना बर्डन है। मैं चाहती हूँ कि आप उनसे जरा समझने की कोशिश करें कि कितनी महत्वपूर्ण है ये बात कि अब सरकार भी आ गया है इस तरीके के किट को बनाने और बांटने के लिए और कितने बड़े पैमाने पर पूरे देश में इसकी जरूरत पड़ सकती है। निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से शुभ्रा कोशिश कर रही है लेकिन सरकार का जिस तरह से जरूरत है इस चीज की वो मीट नहीं कर पा रही है। और ऐसा नहीं है कि पूरे देश में इस तरह की किट बन भी रही है। डॉक्टर शिव कुमार हैं, यूनिवर्ल्ड केयर के डायरेक्टर हैं, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह की स्थिति बन रही है इनकी कितनी कमी है और हमारे देश में कितनी जरूरत है, उस लिहाज से क्या हम सभी कोरोना वॉरियर्स को इन चीजों को इस प्रोटेक्शन को दे पाएंगे? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज जो समझने वाली है कि ये जो किट होती है वो डिस्पोजेबल होती है, मतलब उसको एक बार पहन के हम दूसरी बार नहीं यूज करते हैं। तो इसकी पूरी जो किट होती है डिस्पोजेबल होती है, तो हमें लार्ज नंबर में चाहिए। तो सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, सरकार के अपने प्रोसेसेज होते हैं और वो अल्टीमेटली कोरोना वॉरियर्स को इन चीजों को इस प्रोटेक्शन को दे पाएंगे। देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज जो समझने वाली है कि ये जो किट होती है वो डिस्पोजेबल होती है, मतलब उसको एक बार पहन के हम दूसरी बार नहीं यूज करते हैं। तो इसकी पूरी जो किट होती है डिस्पोजेबल होती है, तो हमें लार्ज नंबर में चाहिए। तो सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, सरकार के अपने प्रोसेसेज होते हैं और वो अल्टीमेटली सरकार ही यहां तक पहुंचेगी और वही बड़ी जरूरतों को पूरा करेगी। जहां तक एज ए समाज, जैसे हम बहुत सारे लोगों को खाना खिला के उनकी पूर्ति कर रहे हैं, बहुत लोगों को हम उनके इलाज की व्यवस्था करके एम्बुलेंसेज की व्यवस्था करा रहे हैं, उसी तरीके से ये जो कोरोना वॉरियर्स है जो डायरेक्टली इन्फेक्शन से लड़ रहे होंगे, उसमें एक तरीके से एक हमारा कंट्रीब्यूशन है इस समाज को, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है जिससे कि इनको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस मिले कि केवल कम्युनिटी के लिए नहीं सोचा जा रहा है, इस डॉक्टर्स और कोरोना वॉरियर कम्युनिटी के लिए भी सोचा जा रहा है। तो ये एक तरीके की सोच है जो हमारे इस इन्फेक्शन से लड़ने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उनके लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा कि समाज हमारे लिए भी सोच रहा है। समाज हमारे लिए सोच रहा है, आईटीवी फाउंडेशन ने यही चीज यही विचार लाए कि ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं इनके लिए हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, इनकी सुरक्षा जरूरी है जो हमें बचा रहे हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से कंट्रीब्यूशन की बात कही, ये कंट्रीब्यूशन के लिए क्या संदेश देंगे अजीत जी? मैं तो ये संदेश दूंगा अपने साथियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट भाइयों को, जो भी बिजनेसमैन को, जो भी सक्षम है, जो भी इस आपदा के टाइम पे किसी भी प्रकार से सहयोग कर सकता है, और लोग आ भी रहे हैं, जिन लोगों को मैं जानता हूं सब लोग आ भी रहे हैं। तो हमारे जैसे हम पीएसजी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, वहां के बहुत लोगों ने पीएम केयर में और हर तरीके से जो है कई तरीके की जो है वो इस तरीके के कार्यक्रम किए हैं। हमारे पीएफजी ग्रुप के कई फ्रेंड्स हैं, वो सब भी लोग काम कर रहे हैं। औरों से भी मैं आह्वान करूंगा कि ये जो घड़ी है ये हमारे देश के लिए है और इस देश के लोगों की सेवा करने के लिए, इस आपदा से बचने के लिए अगर हम लोग कुछ भी सहयोग कर सकते हैं तो हमें आगे आना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। जी
शुभ्रा, दरअसल आईटीबी फाउंडेशन लगातार, क्योंकि चाहे फरीदाबाद की बात करें, गुड़गांव की बात करें, हमारी कोशिश ये नहीं है कि बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस या बड़े बड़े जो अस्पताल है उन तक, दरअसल सीएससी पीएससी लेवल तक इस किट को पहुंचाना है। इसके अलावा हमारी कोशिश ये भी है कि पुलिसकर्मी, अमूमन होता क्या है कि शुभ्रा की वहां जो सस्पेक्टेड केस होता है अगर उसे ले जाने के लिए मेडिकल स्टाफ जाता है तो वो तैयार नहीं होता, वहाँ पुलिस वाले को ले जाना जरूरी हो जाता है और मदद करते हैं मरीजों की, और इसीलिए उनके लिए भी प्रोटेक्शन किट बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्रिया आपका सुंदर इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच आपको बताएं कि आईटीवी फाउंडेशन के साथ मिलकर कोरोना वॉरियर्स के लोगों ने लखनऊ के उन तमाम लोगों को निःशुल्क भोजन और पानी मुहैया कराने के मकसद से आयोजन किया जो लखनऊ में इन दिनों लॉकडाउन के चलते भूखे रहे। वो लोग जो रोज रोजी रोटी के लिए मेहनत मजदूरी करते थे और काम बंद होने के साथ रोजी रोटी की समस्या से जूझ रहे थे, खाने के पैकेट तैयार कर रहे लोगों से और कोरोना वॉरियर्स से लखनऊ में बात की हमारे संवाददाता ने। योद्धा के संयुक्त तत्वावधान में आज उन लोगों को खाना और पानी दिया जाएगा जो लोग कह सकते हैं कि इस समय लॉकडाउन होने के बाद से भूखे हैं और भटक के लखनऊ आ पहुंचे हैं। हमारे साथ विवेक शुक्ला जी मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या कुछ तैयारी है आज और अभी जो लोगों की मदद की जाएगी? भाई साहब, हम कोरोना योद्धा टीम हमारी और आईटीबी फाउंडेशन के सौजन्य से 1000 लंच पैकेट की व्यवस्था की गई है और बाकी जिसको जो जरूरत पड़ रही है वो हम लोग पूरा मुहैया करा रहे हैं। हमारे ये चौकी इंचार्ज साहब है साथ में और ये भाई साहब तिवारी स्वीट हाउस के ओनर है, ये सब पूरी टीम मिलके बाबूजी के आशीर्वाद से सब ये सब चल रहा है और हम लोग पर डे इस काम को कर रहे हैं। सुबह रात हो चाहे दिन हो, जैसे सीओ साहब का फोन आता है या इंस्पेक्टर साहब का फोन आता है या चौकी इंचार्ज साहब का फोन आता है, तुरंत हम लोग भैया इतने लोग आ गए हैं इनकी व्यवस्था कराइए। तो हम लोग रात में ये इवन बंदर भूखे थे, कल सीओ साहब का फोन आया कि भैया बंदर बहुत भूखे हुए हैं, तुरंत हम लोग फल वल लेके गए और बंदरों को खिलाए पिलाए और बंदर खुश होके खाए, बड़ा अच्छा लगा। तो देखिए, ये वो लोग हैं जो पूरी और सब्जी पका रहे हैं। साफ तौर पर ये पूरी सब्जी लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए पकाई जा रही है जो पूरी सब्जी जो बेचारे इस समय लॉकडाउन के चलते भूखे हैं, प्यासे हैं, मजदूरी करते थे, रिक्शा चलाते थे या अन्य वो लोग जो लखनऊ में हैं इस वक्त और जिनको उनके जिले भेजा जाएगा। ये बताइए, कितनी पूड़ियां रोज पका रहे हैं आप आजकल? रोज 2000 पूड़ी बन रहे हैं सर। कैसा लग रहा है, एक सेवा का काम कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। आप लोग की सेवा कर रहे हैं लगातार, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। रोजी रोटी के लिए काम करते हैं लेकिन इसमें सेवा का काम कर रहे हैं आप लोग। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें, आप भी एक सहयोगी? कहना क्या है सर, अब ये है कि इस मुसीबत के उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग मदद कर सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों को पानी और खाना दे सकते हैं, उतना थोड़ा सा ये है कि सुकून मिलता है और कुछ नहीं। बाकी उसके लिए जैसा जितने यथाशक्ति हो सकता है, जितने ज्यादा ज्यादा लोगों को हम उतना कर रहे हैं। पुलिस भी काफी सहयोग है हमारे साथ, यहाँ की भी निचार साहब मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, लोगों से अपील कर रहे हैं आप लोग? नहीं, ये तिवारी स्वीट जो है ये लगातार जो भी लॉकडाउन के समय फंसे हुए हैं उनको विधिवत भोजन पानी कराया जा रहा है और उनको गंतव्य स्थान तक भिजवाया जा रहा है। पूरे टीम लगी हुई है, हमारे एसीपी साहब लगे हुए हैं, डीसीपी साहब लगे हुए हैं और कोतवाल साहब लगे हुए हैं, पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, ये टीम के साथ कार्य कर रहा है। तो जाहिर है तमाम सारे लोग हैं, समाज सेवी लगे हुए हैं साथ में, उसके अलावा पुलिस मदद कर रही है ताकि जो लोग भूखे प्यासे परेशान हैं उनको कम से कम पेट भर रोटी मिल सके और उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। तो ये कुछ चंद तस्वीरें हैं जो हमने आपको दिखाई, लेकिन पूरे देश में इसी तरह आईटीवी फाउंडेशन, इंडिया न्यूज जरूरतमंदों की और कोरोना वॉरियर्स की मदद करने के लिए आगे आ रहा है।